स्टूडेंट्स, योगासन और प्राणायाम, इनका विकास करीब 2500 साल पहले मुनि पतंजलि ने हमें बताया है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनिक जो नाता जो है, जो योग के साथ है, योग मीन्स कनेक्ट, शरीर और मन का तालमेल होना, इसे ही हमने कनेक्शन यानी शरीर और मन का कॉन्सेंट्रेशन कहा गया है। आजकल बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं होता, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो आज हम लोग अपनी योग प्रैक्टिस में मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग ये करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वार्म अप एक्सरसाइज और एक नया आसन सीखेंगे कि जो आसन जो है वो अच्छा बहुत बेनिफिट्स दिलाएगा। आइए मेडिटेशन अपने ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। कीप योर बैक स्ट्रेट, close your eyes, hands on your thighs and gently close your eyes. Back portion straight, आंखें हल्के से बंद की हुई, normal breathing या deep breathing, दीर्घ श्वसन, 3 rounds. We will chant 3 times Omkar. Rachit, breathe out. Take a deep breath. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैंट 3 times गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पामी बच्चों, अभी हमने वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ना है। आज का जो हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है शोल्डर रोटेशन। जैसा कि आपको पता है, नेक रोटेशन, हैंड एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, आई रोटेशन, उसी तरीके शोल्डर रोटेशन जो है वो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो आइए वार्म अप एक्सरसाइज 1 से 4 बार, 1 to 4 और 4 to 1, ऐसा हम लोग प्रॉपरली शोल्डर रोटेशन करेंगे, बराबर है। पहले 4 बार हम लोग 1 to 4 क्लॉकवाइज और बाद में 4 to 1 एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3,
फोर, थ्री, टू, वन। तो अभी हमने ओमकार चैंटिंग, प्रार्थना, गायत्री मंत्र और वार्म अप एक्सरसाइज शोल्डर रोटेशन सीखा, बराबर है? ठीक है। रूटीन अपना ध्यान, ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, गायत्री मंत्र, वार्म अप एक्सरसाइज, ये सब सीखा। आज का नया टॉपिक जो है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के नए आसन का नाम है वीर भद्रासन। तो वीर भद्रासन ये नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में जानकारी हमें लेनी है। भगवान हनुमान, जिन्हें हम लोग वीरता का प्रतीक करके पहचानते हैं, इस आसन में शरीर का आकृति बंद है, वो प्रॉपरली बैकवर्ड बेंडिंग, जैसे भगवान हनुमान जी खड़े रहते हैं वैसे ही अपनी अंतिम अवस्था उसका आकृति बंद दिखता है, और इसके लिए उसे वीर भद्रासन ये नाम दिया गया है। इस आसन का मेन उद्दिष्ट, मेन एम जो है वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बैकवर्ड बेंडिंग दिलाना, यह है। अपनी लंग्स, अपने फेफड़े, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी ये आसन अपने शरीर को प्रॉपरली बैकवर्ड बेंड जो चाहिए, जो खिंचाव हमें देना है, जो स्ट्रेचिंग हमें देना है, वो इस आसन के अभ्यास से साध्य होता है। तो आइए अब वीरभद्रासन प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है ये देखते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में हम लोग खड़े हैं, बैक स्ट्रेट, जॉइन योर हैंड्स, अपना लेफ्ट लेग आगे हमें रखना है। अब देखो अपना, अपने दोनों हाथ श्वास से लेते लेते ऊपर लेने के बाद बैकवर्ड बेंडिंग, वापस आते वक्त सिस्टमैटिकली हाथ नीचे, और वापस स्टैंडिंग में होने के बाद पार्ट टू, राइट लेग आगे, सेम पोजीशन, हाथ ऊपर, बैकवर्ड बेंडिंग, अभी हमने वीर भद्रासन का प्रैक्टिकल देखा। पार्ट वन लेफ्ट लेग आगे आया, पार्ट टू राइट लेग आगे आया। ऐसे करते वक्त प्रॉपरली बैकवर्ड बेंडिंग, जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से लचीला बनाता है, जैसा मैंने आपको कहा था, ये उसका मेन फायदा है। अब और अन्य फायदे क्या है इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। छाती और फेफड़े, अपनी शोल्डर्स, कंधे जो है, गर्दन, पेट में खींचाव, खींचाव यानी क्या, स्ट्रेचिंग इस आसन से साध्य होता है। जांग, पिंडलियां, टखने, लेग्स के जो छोटे छोटे जो अवयव है, ऑर्गन्स है, उनमें भी ये स्ट्रेचिंग दिलाता है। कंधे, शोल्डर्स, अपने आर्म्स और बैक पोर्शन के मांसपेशियों को मजबूती दिलाता है। वीरभद्रासन साइटिका के पेशेंट्स के लिए एकदम बेनिफिशियल है, उन्हें दिन में 2 से 3 बार ये आसन करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सावधानियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिन्हें हाई बीपी है, अगर हार्ट के पेशेंट्स है, उन्हें ये वीरभद्रासन स्पेसिफिक स्किप करना है। अगर हाथ कंधे से ऊपर उठाने में दिक्कत है, समस्या है, तो अपनी लिमिटेशंस जो है वो क्रॉस नहीं करते हुए आसन का अभ्यास करना है। अगर गर्दन में पेनिंग है, सिर में पेनिंग है, तो भी हमें ये करते वक्त आराम से ये आसन करना है। अपनी शारीरिक क्षमता जो है वो देखते हुए ही आसन का अभ्यास करना है। सारांश में बच्चों, योग का नियमित अभ्यास कराए, योग का नियमित अभ्यास कराए, जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाए, जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाए। धन्यवाद। थैंक यू।